मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं की महान परंपरा हम सब के लिए प्रेरणादायी है। यह परंपरा हमें धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता की रक्षा के प्रति आग्रही बनाती है। इस परंपरा का अनुसरण कर हम देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। सीएम योगी सोमवार सुबह जटाशंकर गुरुद्वारे में आयोजित नवम सिख गुरु तेग बहादुर के 347वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गुरु ग्रंथ साहिब को नमन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के त्याग और बलिदान से आज अपना देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज गुरु तेग बहादुर का 347वां पावन शहीद दिवस है। आज ही के दिन 347 वर्ष पहले भारत को आक्रांताओं के क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। सीएम योगी ने कहा कि आज देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पर हमें याद रखना होगा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव महापुरुषों के त्याग और बलिदान की नींव पर प्राप्त हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव गुरु तेग बहादुर के बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करने का भी अवसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं का गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यह हर भारतीय के मन में न केवल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति बल्कि मातृभूमि के प्रति भी उतना ही आग्रही बनाता है। क्रूरता और बर्बरता के खिलाफ गुरु तेग बहादुर ने मजबूती के साथ आवाज उठाई थी। उनको यह आवाज, उनका बलिदान कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए थी। सीएम ने सबका आह्वान किया है कि हम सभी अपने पूर्वजों, पूज्य गुरुओं, पूज्य संतों और महापुरुषों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। इस अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा प्रबंध समिति की तरफ से मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह अंगवस्त्र व कृपाठ भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गुरुद्वारा जटाशंकर प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह, रविंद्र पाल सिंह, कुलदीप सिंह, मनजीत भाटिया, दौलत राम, अशोक मल्होत्रा, हरप्रीत सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। संचालन उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के सदस्य सरदार जगनैन सिंह नीचू ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल एवं जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, रात हो गई।
सनातन परंपरा के लिए पापियों के जोर से और उन जेल जैसे पापियों के कारण पूरी सनातन मत खतरे में। कश्मीर के विद्वान ब्राह्मणों की कोच से जब जीना दुश्वार हो गया तो गुरु तेग बहादुर चांदनी चौक पर जाइए, गुरुद्वारे सामने एक फुहारा है भाई मदीदास चौक, पहले उनको आरे से चीरा गया था, उसके दूसरे भाई सतीदास को रूई में लपेट के आग लगा दी। महान अकबर, महान गजनवी, महान, यही पढ़ते पढ़ते आए हमारी कई नस्लें हमारे सहित हमारी जेहल में वही महान घुस गए। और जरा संगत बोलो, जो औरंगजेब सवा मन जलेऊ जला के धर्म परायण कराने के बाद भोजन खाता था, कितने हिंदू भाइयों का कत्लेआम कराने के बाद, धर्म परिवर्तन कराने के बाद वो भोजन करता था, वो न्यायप्रिय राजा कैसा हो सकता है, वो पांच वक्त का नमाजी कैसा हो सकता था, बकवास है ये। और ये पढ़ा क्यों गया 2014 के पहले जो 70 वर्षों का भारत था, याद रखना कांग्रेस के शासन में पांच जो कैबिनेट शिक्षा मंत्री हुए वो पांचों के पांचों एक विशेष वर्ग से आए थे, उन्होंने अपने ही धर्म के लोगों को उसकी मिनिस्टर शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर बनाकर, तभी मैं तो धन्य हूं आज केंद्र में मोदी जी और यहाँ मेरे गुरुदेव यशस्वी योगी जी, जब से याद रहे भारत में नहीं सब पुनर्जीवित हो गए और बहुत सारे हमारे इतिहास जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई वो पुनर्जीवित हो रहे हैं। हमारा अयोध्या, हमारा काशी, हमारा मथुरा, ये वैभव कब लौट रहा है, जब ऐसे महानायक संसार में आते हैं। और एक बात जानना, आखिरी बात कह रहा हूं, शस्त्र और शास्त्र की परंपरा सिख धर्म में, शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र है हाथ में शस्त्र लिया, धर्मो रक्षति रक्षतः, और वही शस्त्र और शास्त्र की परंपरा पवित्र गोरक्षपीठ में। और याद रखना गोरक्षपीठ ने गोरखपुर को क्या नहीं दिया है, पूर्वांचल को क्या नहीं दिया है, इस पिछले इलाकों को क्या कर दिया, 2017 के पहले का गोरखपुर देख लो और अभी देख लो। और मैं तो हैरान होता हूँ गुरु के इस दरबार में कि महाराज जी 2017 से 2022 के कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में 2 से 2.25 साल तो कोरोना खा जाता है, बावजूद इसके गोरखपुर कितना बदला, बावजूद इसके गोरखपुर कितना बदल रहा है। और जब आपने हृदय में कब्जा करके देखो, जब तक ऐसे महान सन्यासी के हाथ में हमारी सत्ता है, हमारा भविष्य है, गोरखपुर कितना बदलेगा। बताओ गोरखपुर के किस शहर का नाम, सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग कर दूं, उनके नाम पर तो सड़क होनी चाहिए। फिर इन्होंने स्टेशन से जटाशंकर रोड तक का नामांकन गुरु नानक देव मार्ग किया यार, और तबियत खाई लाख आया। और आज मैं इतनी बड़ी संगत बता रहा हूँ, महाराज जी ने सांसद कोटे से दी, अपने निजी अकाउंट से 2.5 लाख रुपए हमें दिए, जिससे 1 किलोमीटर मगहर में गुरुद्वारे तक पोल लगी। और फोटो हटाइए, अरे फोटो हटा दो नीतू भाई। गुरु तेग बहादुर जी की आज के इस पावन शहीदी दिवस के अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह जी, सरदार जगनेन्द्र सिंह नीटू जी, सरदार रविंद्र पाल सिंह जी, सरदार कुलदीप सिंह नीटू जी, मंजीत भाटिया जी, दौलत राम जी, अशोक मल्होत्रा जी, हरप्रीत सिंह सेसानी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गोरखपुर के उपस्थित महानुभाव, सिख पंथ के 9वें गुरु जिनके त्याग और बलिदान से भारत
के रूप में आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज उनका 347वां पावन शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 347 वर्ष पहले भारत को क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत समन्वय जो प्रत्येक भारतीय के मन में न केवल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति बल्कि प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभूमि के प्रति भी उतना ही आग्रही बनाता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस कालखंड में जब देश औरंगजेब के बर्बर अत्याचार से करा रहा था, जबरन धर्मांतरण हो रहे थे, जबरन सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उसके क्रूर अत्याचार चरम पर थे, केवल कश्मीर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान कांप रहा था, तब औरंगजेब की उस क्रूरता और बर्बरता के खिलाफ किसी ने मजबूती के साथ आवाज उठाई थी तो समय की आवाज थी गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी का यह बलिदान जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उस कालखंड में उठाई थी, आप अद्भुत समन्वय देख सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी को भी बलिदान देने के लिए प्रेरित करने वाले कोई और नहीं, उनका स्वयं का पुत्र और दसवां गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। उस समय जब ये बात सामने आती है, गुरु तेग बहादुर जी इस बात को कहते हैं, जब नाना सा गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूज्य गुरु और इसका समाधान क्या है, तो उन्होंने कहा इसका समाधान बलिदान है। किसी बड़े व्यक्ति को अपने आप को बलिदान करना होगा तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ही बात कही थी कि आपसे बड़ा कौन है। और फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। आज हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव का यह उत्सव हम सब के लिए इसी त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ा होकर के हमें प्राप्त हुआ है। उस कालखंड में जो त्याग और बलिदान की एक अमिट छाप सिख गुरुओं ने छोड़ी थी, वही आज एक नई प्रेरणा हम सब के लिए बनी हुई है। और यही कारण है, आप सबने इस बात को देखा होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को एक प्रकार से समाज ने खुलासा दिया था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार चार साहबजादों के लिए जिन्होंने उस कालखंड में उस बर्बर आतंकी अत्याचारी सत्ता को चुनौती देते हुए अपने आप को बलिदान किया था,
उनकी स्मृतियों को ताजा बनाए रखने के लिए आज पूरे देश के अंदर इस आयोजन को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। आज का अवसर हम सब के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सभी को इसी बात के लिए आह्वान करूंगा कि अपने पूर्वजों, अपने पूज्य गुरुओं, पूज्य संतों और महापुरुषों की प्रेरणा हम सबको सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, इस विश्वास के साथ यहाँ पर मुझे प्रसन्नता है कि इतना प्रातःकालीन सत्र में भी मुझे 10 बजे बाहर निकलना था। मेरे सामने जब बात आई तो मैंने कहा बहुत दिनों से मैं जगत शंकर गुरुद्वारा जा भी नहीं पाया हूँ, इसी बहाने कार्यक्रम में भी भाग ले लूंगा और गुरु महाराज के प्रति भी सम्मान का भाव व्यक्त करूंगा। आप सबके साथ इसी बहाने संवाद का एक अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबसे यही कहूंगा कि सिख गुरुओं की जो परंपरा है वह एक नई प्रेरणा प्रदान करती है देश और समाज को। हम उन सब का अनुसरण करें और अपने देश और अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को उनके शहीदी दिवस के अवसर पर नमन करते हुए आप सब उनकी प्रेरणा और उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे यही कामना करता हूं। बोले सो निहाल। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी मेरे भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महानगर अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र प्रताप सिंह राजू भाई बहुत बहुत, विष्णु शंकर श्रीवास्तव जी मेरे मित्र बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है मल जी मेरे भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, छठी आदमी बहुत बहुत धन्यवाद, अरविंद हरि गुप्ता जी और अतुल श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद, अमरनाथ दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे छोटे भैया 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 गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस आज थी और गुरु तेग बहादुर जी के साथ में सभी सिख गुरुओं का हिंदू समाज की रक्षा के लिए बड़ा योगदान रहा है, इसके प्रति अपनी एक भाव प्रकट करने के लिए पूज्य महाराज जी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और यहाँ पे उनकी उन पुण्यात्माओं को सत सत नमन करते हुए और उनके दिखाए गए मार्ग पे चलने के लिए यहाँ के लोगों को आह्वान किया था। ऐसा है कि आज जो है सिखों के नवे गुरु, हिंद की चादर, शहीदों के सरताज श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व यहाँ पर श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा था। इसी उपलक्ष में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार इस अवसर पर श्री गुरु तेग बहादुर जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। ये हम लोग के लिए बड़े गौरव की बात है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का इस स्थान से बहुत स्नेह है हम लोग के प्रति, वो हर हमारे हर सांसद रहते समय तक हर हमारे समारोह में आते थे, सम्मिलित होते थे और हमको हर तरह का सहयोग करते थे, परंतु मुख्यमंत्री बनने के बाद संयोग नहीं बैठ रहा था, वो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने समय दिया, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, उन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हम लोग को कुछ आश्वासन भी दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आश्वासन जो हमने उनसे डिमांड किए वो पूरी होगी। क्या कहा उन्होंने? कहा देखेंगे इसको, ये हमारे ये स्कूल का मामला, स्कूल पर गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है, इसके लिए हमने कहा नानक निवास के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे इसको।